तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में नंबर फॉर्मेट्स के बारे में। जी हाँ, नंबर फॉर्मेट्स, जिसकी वीडियोस यूट्यूब पे आपने बहुत सारी देखी होगी। लेकिन नंबर फॉर्मेट को एक लाइव सीखना और एक वर्किंग प्रोफेशनल से सीखना वो अलग होता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम अपने डेटा में, हमारे डेटा में अगर एवरेज निकाला जाए तो 70% से ऊपर नंबर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। आईडी के रूप में नंबर्स हो सकते हैं, किसी लैटिट्यूड लैटिट्यूड के रूप में नंबर हो सकते हैं, आपके प्राइजेस क्वांटिटीज और डिफरेंट डिफरेंस कोड्स के रूप में नंबर्स हो सकते हैं। तो हर तरह के नंबर्स को हर अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग दी जाती है। तो इसी के बारे में हम नंबर फॉर्मेटिंग का आपके जिक्र करेंगे। इसकी दो क्लास होगी, एक होगी बेसिक नंबर फॉर्मेटिंग की, दूसरी होगी एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग की। उससे पहले आपको पढ़ने के लिए हेलो सुजीत सर, सुजीत सर बोलिए सर। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे देना सर। ओके दे दिया। ओके थैंक यू सर। तो सर उससे आपको सेकेंड क्लास से पहले आर्टिकल दिया जाएगा। तो चलिए नंबर फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। आपने किसी भी सेल पे कुछ भी नंबर लिखा तो बाय डिफॉल्ट जो होता है ये होता है जनरल फॉर्मेट। क्या होता है? जनरल फॉर्मेट। इस जनरल फॉर्मेट में अगर हम आए तो यहां हम बात करते हैं नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, ये दिख रहा है आपको। तो जनरल मतलब कि वेरिएंट, हमारे प्रोग्रामिंग भाषा में इसको वेरिएंट बोला जाता है। जैसा टाइप करोगे उस तरह का नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करें, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास दो तीन ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है डेसिमल प्लेसेस को ऐड करना। हालांकि आप डेसिमल प्लेसेस आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं ऊपर, दिख रहा है सर? यस सर, ऊपर यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है थाउजेंड सेपरेटर, आप यहाँ पे थाउजेंड का सेपरेट कर सकते हो। हालांकि थाउजेंड सेपरेट भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं कॉमा से। उसके अलावा आता है कि निगेटिव नंबर्स हो तो कैसा दिखे। तो बाय डिफॉल्ट निगेटिव में माइनस दिखता है, बट यू कैन चेंज हियर कि आपका निगेटिव में माइनस ना हो के कलर रेड हो जाए, या फिर आपकी ब्राइकेट्स में हो जाए, या कलर रेड और ब्राइकेट्स दोनों हो जाए। तो ये चीज़ें यूके में यूज की जाती है। तो अगर मान लीजिए कि ब्रैकेट में और कलर रेड अगर कोई वैल्यू आती है, जैसे कि आप फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं, फाइनेंशियल फॉर्मूले वगैरह, तो उसका रिजल्ट निगेटिव में ब्रैकेट में आता है, तो ये चीज़ आप यहाँ से सही कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंसी फॉर्मेट में जाते हैं तो सब कुछ सेम होता है, बस इसमें करेंसी का सिंबल ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विंडो ऑनवर्ड, विंडो 8 ऑनवर्ड आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके यहाँ पे रुपीज का सिंबल लिख जाए, ठीक है? रुपीज का सिंबल, बहुत सारे सिंबल्स हैं। लेकिन अगर आपके पास विंडोज 7 है तो नहीं मिलेगा, वहाँ पे आरएस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2011 के आसपास हमारा रुपीज का सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट सर? एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं क्योंकि मेरी जीके इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सेल के बारे में जानता हूँ। लेकिन इतना जानता हूँ कि रुपीज के सिंबल इंट्रोड्यूस होने से पहले ही हमारा विंडो 7 आ चुका था। सर एडवांस से लेके नहीं आ सकते इसको? हाँ, लाइक विंडो 7 है तो लेके आ सकते, उसका तरीका अलग है, वो आपकी अगली क्लास में हम समझाएंगे, ठीक है? हाँ, इसमें आप सिंबल की जगह पे कोड भी ले सकते हैं, जैसे INR और मोस्टली बिलिंग अमाउंट और बैंकिंग वगैरह पे INR ही यूज किया जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने INR, इट मींस करेंसी कोड, डॉलर के जगह पे USD, क्योंकि आपने डॉलर का सिंबल लगा दिया तो पता थोड़ी चलेगा कि कौन से कंट्री का डॉलर है। डॉलर तो कई सारे कंट्री में यूज की जाती है, सिंगापुर यूज करता है, ऑस्ट्रेलिया भी यूज करता है, ऑस्ट्रिया भी यूज करता है, तो वहाँ पे करेंसी कोड चलता है। अकाउंटिंग में जस्ट आप करेंसी कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा कुछ और नहीं। लेकिन इसका यूज एक और हम करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ डेटा चाहिए।
तो मैं यहाँ कुछ डेटा आपके सामने रैन बिटवीन फॉर्मूले की मदद से लाता। यहाँ देखिए, यहाँ जीरो है, 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 बहुत सारी जगहों पे जीरो है। तो इसमें क्या होता है कि जीरो हमें खोजना पड़ रहा है। हम कुछ ऐसा कर दे तो जीरो एक अलग ही दिखे, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट सेल नंबर फॉर्मेटिंग में कुछ नहीं करना है, अकाउंटिंग में सैम्बल को नन कर दीजिए। अब डेसिमल प्लेसेस रखना है तो रखिए, अदरवाइज जीरो कर दीजिए एंड ओके। आ गया सर यहाँ पे जीरो जीरो, यहाँ देखिए जीरो जीरो। सर इसमें एक चीज की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि सर मैंने इसमें करा हुआ था, इसमें अगर हम इसको टोटल सेंटर करें तो ये सेंटर में नहीं आता है। एक मिनट देख लेते नहीं सर, हाँ सेंटर में नहीं आता है। हाँ ये क्योंकि मैंने इसको करा हुआ था फॉर्मेटिंग करते समय, जब इसको करने के बाद से जब हम इसको सेंटर करते हैं तो ये सेंटर नहीं होता है जी। तो उसका कस्टम फॉर्मेटिंग भी उपाय है क्या, अकाउंटिंग का जो जीरो को डैश में कन्वर्ट करने के बाद भी सेंटर कर सके, तो उसकी तरीका जी जी। चलिए आगे बढ़े। डेट्स, आप अपने हिसाब से डेट का फॉर्मेट चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपके कंट्री है, आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का फॉर्मेट चूज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का फॉर्मेट, राइट सर। उसके बाद यहाँ पे आता है टाइम, आप टाइम यूज कर सकते हो। लेकिन टाइम में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर जी सर, हाँ सर, अगर हम इनको पहले सेंटर में सेट करें उसके बाद जीरो को करेंसी में चेंज करें तो फिर हो जाएगा सेंटर, नहीं तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर आप इसको कर देते हैं, देखो सेंटर है ना सर, और जैसे इसके ऊपर आपने अपना फॉर्मेट में अकाउंटिंग यूज किया, अकाउंटिंग में नन किया, एंड ओके किया, आपका सेंटर हट जाएगा, फॉर्मेट ओवरराइट होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए डेट हमने एक ड्यूरेशन लिखा हुआ टाइम, हो सकता है किसी का ओवर टाइम हो, गलती से ये मान लीजिए आपका जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। जब ये जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो इस तरह का डेसिमल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल्स को वापस टाइम में कर दो। अब टाइम में मान लीजिए कोई और फॉर्मेट चूज करोगे तो क्या होगा कि 24 आवर्स से ऊपर नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक्सेल में 24 इक्वल टू 1 डे, ठीक है, 24 इक्वल टू 1 डे। उसके बाद यहाँ हम आते हैं तो क्या करेंगे इसके लिए, तो ये आपका 37, 30 और 55 का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे तो वापस आपका दिख जाएगा। बाकी इसमें परसेंटेज नॉर्मल है, जो क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस है, जैसे कि मैं यहाँ पे 2.5 कर दिया और इसको अगर हमने कर दिया फ्रैक्शंस के अंदर हाफ लेवल, अलग अलग लेवल्स हैं तो हाफ लेवल कर दिया तो आपको इस तरह से दिखेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 2.75 करोगे तो 3 दिखेगा, तो ये हमने हाफ लेबल किया। 1/4 में कर दिया तो ये दिखा देगा 3/4। बचपन हम लोग पढ़ते थे इसका सर। चलिए अब बारी आती है, ये तो हो गई नॉर्मल चीज, अब अगली बारी आती है कि हमने एक कॉलम में मान लीजिए चेक नंबर लिखना है या अकाउंट नंबर लिखना है, चेक नंबर या अकाउंट नंबर भी हाथ लिख देते हैं। तो क्या होता है कि चेक नंबर अगर आप लिखते हैं तो 00 नहीं लेगा, मतलब कि नंबर से पहले जीरो का सिस्टम नहीं है। और उसी तरह से अकाउंट नंबर में 12 डिजिट से ज़्यादा लिखने पे या 15 डिजिट से ज़्यादा लिखने पे नंबर जीरो में कन्वर्ट होगा, हो गया जीरो में कन्वर्ट। तो कैसे करें, तो इसके लिए है कि इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, हम एक सिंगल कोट लगाएंगे,
सिंगल कोटेशन मार्क, फिर यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो जीरो देना चाहे दे सकते हैं, और अपने हिसाब से सिंगल कोट लगाने के बाद जो नंबर लिखना चाहे, जितना नंबर लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। लेकिन जब पूरे कॉलम में मुझे अगर सेम चीज़ लिखना है तो हर सेल में सिंगल कोट लगाना, मतलब कि हर एंट्री पे एक एक सेकेंड वेस्ट करना क्यों? आप पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें और इसमें आ जाए टेक्स्ट एंड ओके। अब इस पे आपको सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपका नंबर में ही आएगा। यहाँ पे एक चीज और भी है, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई होगा बट परफॉर्म नहीं होगा। ओके सर, फॉर्मूला हमारा परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जैसे चेक नंबर कहीं ले ले तो चेक नंबर को किसी ने आपको भेज दिया कुछ इस तरह से। अब आपको जो प्रिंटआउट निकाल के बैंक भेजना है उसमें 6 डिजिट होना चाहिए, उसमें आगे 0 मेंटेन होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम कस्टम का इस्तेमाल करेंगे। कस्टम, कस्टम में यहाँ हम 6 times 0 1 2 3 4 5 6 डालेंगे, तो 6 डिजिट को मेंटेन करेंगे। ऐसे मान लीजिए मैं मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ और मोबाइल नंबर में +91 जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर मैं मोबाइल नंबर लिख चुका हूँ मुझे इस पर +91 लगाना है, तो राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट सेल, यहाँ कस्टम, और यहाँ हम कर देंगे +91 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 times 0 डाल दीजिए। अब इस पर जो भी नंबर टाइप होगा +91 ऑटोमेटिक लग जाएगा, अगर नंबर कम टाइप करेंगे तो 0 लगा देगा। ऐसे मैं यहाँ आईडी लिखना चाहता हूँ और चाहता हूँ हर 3 डिजिट के बाद डैश लग जाए, तो यहाँ आप कस्टम में 000-000-000। अब यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिखूँगा, तो हर तीन डिजिट के अंदर लग जाएगा। अब अकाउंट नंबर की ही बात कर रहे हैं कि अकाउंट नंबर आप जब लिखते हैं 11 डिजिट तक तो दिख जाता है, 10 है 11 तक दिख जाएगा, पर जैसे 12 डिजिट या 3rd से ऊपर डालेंगे तो साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाता है। तो इसको शो करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जाना है कस्टम पे, जस्ट एक 0 डाल दीजिए या एक हैश डाल दीजिए और आपका नंबर शो हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा आप आपका जो है ये 15 डिजिट तक ही शो होगा, जैसे ही 15 डिजिट से आगे न डालेंगे वो 0 हो जाएगा। 15 डिजिट तक दिख रहा है, 16, 17, 18 में डाला 8, 8, 9, 6 तो आप देखिए वो 3 0 में कन्वर्ट कर दिया, 0 कर देगा। ऐसा इसलिए कर देता है क्योंकि आपका जो एक्सेल है उसकी जो लिमिटेशन है कैलकुलेशन की वो 15 डिजिट तक की है, 15 डिजिट से ऊपर की कैलकुलेशन नहीं कर पाता है आपका एक्सेल। क्लियर है सर? जी जी। तो उसका उपाय क्या है, उसका उपाय जो मैंने पहले बताया आपको कि टेक्स्ट में डालें और यहाँ पे आप इसको डालें। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने आपको चेक नंबर डालना है, मैं अलग बताता हूँ, जैसे चेक नंबर डालना ही सिखाया तो हमने यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके हमने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5 6 6 times 0 डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा तो 0 0 1 2 3 आ गया। अब सिंगल कोट लगा के 0 0 1 2 3 हमने अनोदर सेल पे लिखा हुआ है, ठीक है सर, इसको इग्नोर कर देता हूँ।
अब देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं बट दोनों बराबर नहीं है। देखिए ये जो हमने कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल किया जस्ट विजुअल के लिए, अब यहाँ पे एक मेथड समझ लीजिए, चाहे कोई भी फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करते हैं, आपकी फॉर्मेटिंग कभी भी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगी, वो चेंज करेगी तो जस्ट उसकी विजुअलिटी को, ओरिजिनलिटी को कभी चेंज नहीं कर पाएगी, समझ गए जी? तो अगर इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए है सिर्फ 1 2 3 और ए है 0 0 0 1 2 3। तो आपको चाहिए कि नहीं, नहीं जो जैसा दिख रहा है ना मुझे वैसा ही चाहिए, मुझे वीलू का मैच फंक्शंस वगैरह लगाने हैं, इफ कंडीशन वगैरह लगाने हैं, तो उसके लिए है कि आप जो है टेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करो और टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर में नंबर को लिखें और यहाँ पे 100 जो कस्टम फॉर्मेटिंग में अप्लाई किया है हमने वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है? अभी अभी दोनों आपस में बराबर है, क्लियर है? अब इसमें आगे पढ़ने से पहले एक आर्टिकल को पढ़ना बहुत जरूरी है और ये आर्टिकल मैं आपको अभी भेज रहा हूँ मोबाइल पे, ठीक है? एक आर्टिकल है माइक्रोसॉफ्ट का, मेरा आर्टिकल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है, वो आपको मैं भेज रहा हूँ।